शादी की अगर बात करें तो शादियों में काफी कुछ ऐसा होता है जो उन्हें अनोखा बनाता है। अब तक आपने अलग अलग तरीके से शादी होते हुए देखा होगा, शादियों में अनोखी रस्मों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको अनोखी दुल्हन के बारे में बताएंगे जो सरहद पार से आई है। ये दुल्हन जो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमत आसमान छू रही है, तो ऐसे में अनोखी दुल्हन ने गहनों की जगह खुद को टमाटर से सजा लिया है। जी हाँ, शादियों में दुल्हनें अलग लहंगे पहनती हैं, अलग तरीके से तैयार होती हैं, अलग तरीके से गहने पहनती हैं, और इस दुल्हन ने खुद को अलग तरीके से तैयार करने के लिए टमाटर को गहना बना लिया। इस दुल्हन की वीडियोस तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों को आप यहां देख रहे होंगे। लाहौर की इस दुल्हन ने अपनी शादी में टमाटर की चूड़ियां, नेकलेस और झुमके पहने हैं। जब इस दुल्हन से वजह पूछी गई ऐसा करने की, तो उन्होंने कहा सोने के भाव बहुत महंगे हो रहे हैं और उसी तरह टमाटर के भी, इसलिए मैंने अपनी शादी में टमाटर के गहने पहने हैं। जब यहाँ पर रिपोर्टर ने इस टमाटर वाली दुल्हन से पूछा कि क्या कोई टमाटर छूटा, तो वो कहते हैं मार दूंगी अगर मेरे टमाटर किसी ने भी छुए तो, मुझे मेरे टमाटर बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। ये दुल्हन बताती है कि दहेज में मेरे माता पिता ने मेरे पति को 3 टमाटर भी दिए हैं, यानी शौहर को 3 टमाटर दिए गए हैं। टमाटर की कीमत वहाँ आसमान छू रही है, और ऐसे में सोने की जगह अनोखी शादी में अनोखी दुल्हन ने टमाटरों को ही गहना बनाकर अपने आप को सजा लिया। ये अटपटा किस्सा आपको कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।